हेलो बच्चों, वेलकम टू विनिंग ए स्टडी पॉइंट ई क्लासेस। आज हम करने जा रहे हैं क्लास नाइन्थ के साइंस का चैप्टर नंबर वन, जिसका नाम है मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। ठीक है, हिंदी में कहते हैं इसे हमारे आसपास के पदार्थ। तो मैं इस चैप्टर को आज शुरू कराने जा रहा हूं आप लोगों को। इस चैप्टर के अंदर आज की वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं, आज हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे इसका फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, फिर उसी के अंदर दो पॉइंट्स पढ़ने हमें, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, और तीसरा जो आज हम पढ़ने वाले टॉपिक वो है रिगिडिटी एंड फ्लूडिटी। तो हिंदी में अगर हम कहें तो इंट्रोडक्शन मतलब इस चैप्टर का परिचय पढ़ेंगे हम सबसे पहले, कि इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या चीजें हैं इनको समझेंगे, फिर हम पदार्थ के भौतिक गुण के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फिजिकल नेचर मतलब भौतिक गुण। इसमें से जो पहला होगा वो होगा कि पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं। पार्टिकल्स को हिंदी में हम क्या बोलेंगे? कण। पार्टिकल्स को हम हिंदी में क्या बोलेंगे? कण। कि जो पदार्थ होते हैं वो कणों से मिलकर बने होते हैं, पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं। और दूसरी बात हम पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी कि पदार्थ के कणों के अभिलांछनिक गुण, पदार्थ के कणों के अभिलांछनिक गुण, ये बात हम पढ़ने वाले हैं आज इसमें। और तीसरी चीज हम पढ़ने वाले हैं रिगिडिटी एंड फ्लूडिटी, जिसे हिंदी में कहते हैं दृढ़ता दृढ़ता तथा तरलता। इन चीजों के बारे में आज हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि इंट्रोडक्शन के अंदर कि ये चैप्टर में क्या है, ब्रीफ ले लेते पहले। तो सबसे पहले शुरुआत होती है हमारे चैप्टर के नाम से, कि चैप्टर के नाम में क्या लिखा है, मैटर इन अवर सराउंडिंग। तो यहां पर सबसे पहला वर्ड ही हमारे लिए एक क्वेश्चन बन जाता है कि व्हाट इज मैटर। ठीक है, सबसे पहला वर्ड कि मैटर क्या होता है, हिंदी में कहें तो हमारे आसपास के पदार्थ, सबसे पहला वर्ड आया। मतलब ये सब चीजें तो नहीं है, हिंदी चीजें आपको यहां पे जो समझना है वर्ड वो है पदार्थ, कि पदार्थ क्या होता है। इंग्लिश में कहें तो मैटर क्या होता है, व्हाट इज मैटर। ठीक है ना, तो मैटर की जो डेफिनेशन है पहले कुछ और हुआ करती थी, जिसको बाद में चेंज करके अब जो साइंटिफिक तरीके से निकाली गई है कुछ और है। पहले की बात मैं कब कर रहा हूं, पहले की बात मैं कर रहा हूं हजारों साल पहले की। ठीक है, और ये अलग अलग कंट्रीज में अपने माइथोलॉजिकल चीजों को जोड़ के पहले कुछ इसकी डेफिनेशन और निकाली जाती थी, आज कुछ और है। जैसे हमारे अगर हम एंशिएंट फिलॉसफी की बात करें तो इंडिया की जो एंशिएंट फिलॉसफी है, तो इसमें जो पदार्थ माने जाते हैं ना, पहले जो माने जाते थे हमारे पूर्वजों द्वारा, एंसेस्टर्स द्वारा, कि मैटर क्या होता था, कि भाई मैटर को बोलते थे कि दुनिया की जितनी भी चीजें पांच चीजों से मिलकर बनी है, या हमारा शरीर जो है पंच तत्वों से मिलकर बना हुआ है, बोलते थे पंच तत्व। ठीक है, और ये मानते थे कि ये पदार्थ भी ये पांच तत्व ही हैं। ठीक है, इन्हीं से मिलके हर चीज बनती है दुनिया के अंदर। ठीक है, ये पांच तत्व कौन से होते थे, तो एक सेकेंड, तो बात करते हैं पंच तत्वों के बारे में, कि पंच तत्व कौन से होते थे जो हिंदी में पंच तत्व। पहले के जो हमारे एंसेस्टर थे वो कहते थे कि हम जितने भी पदार्थ हैं, यानी कि जो भी मैटर है, सब पंच तत्व से मिलकर बने हुए हैं। इंग्लिश में भी हम इसे पंच तत्व लिखेंगे। और ये पांच तत्व किसने माना जाता था, एयर, वाटर, अर्थ, फायर एंड स्काई। ठीक है, और हिंदी में कहें तो वायु,
जल, पृथ्वी, अग्नि और आकाश। तो ये पांच तत्वों से मिलके दुनिया की सारी चीजें बनती हैं। अगर आप लोगों ने, मैं एग्जांपल दूं, आप लोगों ने पहले एक सीरियल आता था शक्तिमान, अभी भी ये नेशनल चैनल पे टेलीकास्ट हो रहा है, जब से लॉकडाउन हुआ है आप लोग देख रहे शक्तिमान, महाभारत, सब कुछ वापस दोबारा रिपीट होने लग गए। तो आपने अगर बचपन में शक्तिमान देखा हो या अभी अगर आप देखते हैं तो इस बात को देखना कि उसमें भी यही दिखाता कि जो शक्तिमान की बॉडी है ना, वो इन पांच चीजों से मिलकर बनी है, पांच तत्वों से मिलकर बनी है। यानी कि वो भी हमारे माइथोलॉजी से एक ये चीज ले ली गई उस सीरियल के अंदर, उस सीरियल टेलीकास्ट में, कि भाई हमारी बॉडी जो है, हम इंसान जो है पांच तत्वों से मिलकर बने हैं और दुनिया के अंदर भी जितनी चीजें हैं वो भी इन्हीं पांच तत्वों से मिलकर बनी है। ठीक है, पर ये हमारी एक एंशिएंट फिलॉसफी है, तो अब हम मतलब उन चीजों से बाहर आ गए, हम चीजों को साइंस की नजरों से देखते हैं। ठीक है ना, तो पहले ये माना जाता था, बट अब हमारी जो मॉडर्न फिलॉसफी आ गई है वो इन सब बातों को नहीं मानती है। अब वो हर चीज के पीछे लॉजिक ढूंढती है, साइंटिफिक फैक्ट ढूंढती है, ठीक है, और एक्सपेरिमेंट द्वारा हम चीजों को नए तरीके से सीखते हैं। तो ये हमारी मॉडर्न, हमारी ये एंशिएंट फिलॉसफी हो गई, कि एंशिएंट फिलॉसफी यानी आज से हजारों साल पहले जो हमारे एंसेस्टर्स हुआ करते थे वो क्या मानते थे कि मैटर क्या होता है, वो मानते थे कि मैटर पांच तत्वों से मिलकर, पंच तत्वों से मिलकर बना होता है। ठीक है, जिसे जो कि कौन कौन से पांच तत्व हैं, एयर, वाटर, अर्थ, फायर एंड स्काई, हिंदी में कहें तो वायु, जल, पृथ्वी, अग्नि तथा आकाश। पर अब हम किसे मैटर कहते हैं? ठीक है, अब जो है हमने मैटर की डेफिनेशन बदल दी है। अब जो हम मैटर बोलते हैं किसे बोलते हैं, तो मैं लिखूंगा मैटर की डेफिनेशन कि मैटर इज दैट विच ऑक्यूपाई सम स्पेस एंड हैव सम मास। आप ये चीज पहले भी लिख सकते कि हैव सम मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस। तो हिंदी में अगर हम लिखे तो पदार्थ क्या होता है, कि लिखना पदार्थ या हर वह चीज पदार्थ है जिसका कुछ द्रव्यमान होता है तथा वह कुछ स्थान घेरता है। तो मैंने लिखा कि मैटर इज दैट विच ऑक्यूपाई सम स्पेस एंड हैव सम मास, कि पदार्थ उसे कहते हैं जिसका कुछ द्रव्यमान होता है और वह कुछ स्थान घेरता है। इस बात का मतलब क्या हुआ? इस बात का मतलब यह है कि दुनिया में हर वो चीज जो किसी जगह को घेर रही है और उसका कुछ मास है। अब यहां पे एक और वर्ड आ गया हमारे पास, मास, हिंदी में कहें तो द्रव्यमान। बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है इसमें, ठीक है, कि द्रव्यमान क्या होता है और हिंदी में, इंग्लिश में कहें तो मास क्या होता है, और दो वर्ड में हम कंफ्यूज होते हैं कि मास एंड वेट। ठीक है ना, कौन कौन से वर्ड में कंफ्यूज होते हैं हम, मास एंड वेट, कि मास क्या होता है एंड वेट क्या होता है। हिंदी में कहें तो द्रव्यमान क्या होता है, और दूसरा वर्ड सुना है आपने भार, दूसरा वर्ड आपने क्या सुना है, भार, कि भाई ये बहुत भारी है। ठीक है ना, ये बहुत ही भारी है, भारी का, भार का मतलब क्या होता है। और हम दूसरी बात कहें तो द्रव्यमान, हम आपस में एक दूसरे को कभी बोलते नहीं है कि तेरा द्रव्यमान बहुत ज्यादा है, तू मोटा हो गया, तेरा द्रव्यमान बढ़ गया है, हम ऐसे नहीं बोलते। हम कहते तू बहुत मोटा हो गया, तेरा भार बढ़ गया है, पर एक्चुअल में हमें बोलना चाहिए क्या, कि तेरा द्रव्यमान बढ़ गया, भार नहीं बढ़ गया।
ठीक है, वो तो हमने नॉर्मल भाषा में अपना लिया है कि हम बोलते हैं भार, और इंग्लिश में भी हम ज्यादातर वेट वर्ड का यूज करते हैं, ठीक है ना। पर हमारा बढ़ क्या हो रहा होता है, मास। अभी मैं इसको बताता हूं, इसके बारे में आप लोगों को, इनके बारे में भी बताता हूं। पहले हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, हम बात कर लेते हैं मैटर के बारे में, ठीक है। तो मैटर के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा था कि मैटर क्या होता है, कि हर वो चीज जो कोई जगह घेरती है और उसका कुछ मास होता है। मास के बारे में बताता हूं अभी, पर ये समझो पहले कि जिसका जो कोई जगह घेरती है और जिसका कोई मास होता है, तो उसे हम मैटर, यानी कि हिंदी में क्या कहते हैं, पदार्थ। इंग्लिश में कहते हैं मैटर और हिंदी में कहते हैं पदार्थ। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप अपने आसपास जितनी भी चीजें देखेंगे सब मैटर है, ठीक है। आपके पास कोई चेयर रखी है तो वो मैटर है, आप अपने अभी पढ़ाई कर रहे हैं, आपके हाथ में पेन है, आपके सामने आपकी कॉपी रखी है, रजिस्टर रखा है, आपकी बुक रखी है, ठीक है, वो सब मैटर है। आपने कपड़े पहने हुए, वो भी मैटर है। आप जिस बैग को टांग के अपने, मतलब लटका के अपने स्कूल जाते हैं, वो भी मैटर है। आप अपने आसपास जितनी भी चीजें देख सकते हैं वो सब मैटर है। कुछ चीजें ऐसी भी है जो दिखाई नहीं देती, वो भी मैटर है। जैसे हवा, हवा हमें दिखाई नहीं दे रही हमारे आसपास, पर वो एक मैटर है, ठीक है, एयर मैटर है, ठीक है। पर बहुत सी चीजें हैं। तो आप, अब आप कहेंगे कि अगर हर चीज मैटर है तो मैटर क्या नहीं है, हम किस चीज को बोलें कि वो मैटर नहीं है। तो देखिए, वो चीजें जो हमारे फीलिंग्स हैं, ठीक है ना, जो हमारी फीलिंग्स होती हैं, वो हम कहेंगे कि वो चीज मैटर नहीं है, ठीक है। हमारे आसपास चीजें जो दिख सकती हैं वो तो मैटर है, ठीक है, पर जो चीज नहीं दिख सकती, नहीं दिख सकती में भी क्या है भाई, कुछ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, कुछ क्या नाम है, माइक्रो थिंग्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है ना, वो भी हमें नहीं दिख सकती हम, पर उसे मैटर कहेंगे। पर जो फीलिंग्स हैं वो, उन्हें हम कहते हैं कि वो मैटर नहीं है, ठीक है। फीलिंग्स में जैसे लव, हेट, ठीक है, किसी चीज का आपको स्वाद बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है ना, आप कहते हैं इट इज वेरी डिलीशियस, तो वो डिलीशियस होना मैटर नहीं है, ठीक है, वो खा रहे हो जो आप, वो मैटर है, पर डिलीशियस होना कोई चीज मैटर नहीं है, ठीक है। या आपको कोई चीज बहुत अच्छी लग रही है, आप बोल रहे इट इज वेरी नाइस, इट इज, तो ये सब चीजें जो है वो मैटर नहीं है। लव, हेट, ठीक है ना, किसी चीज की स्मेल, स्मेल जिस चीज से आ रही है, मतलब वो स्मेल जो आ रही है वो तो मैटर है, पर उसका स्मेल गुड है या बैड, वो मैटर नहीं है, ठीक है ना। परफ्यूम की स्मेल, परफ्यूम की स्मेल आपके पास आ रही है तो वो मैटर है। इस बारे में मैं अभी बात करूंगा आगे, ये कैसे, मैं क्या बताना चाह रहा हूं ये परफ्यूम की स्मेल के बारे में, तो उसके बारे में बात करेंगे हम। पर मैं ये बता रहा हूं कि अगर उसकी खुशबू आपको अच्छी लग रही है या बुरी लग रही है, वो चीज मैटर नहीं है, पर उसकी जो स्मेल है वो अपने आप में मैटर है, ठीक है। ये मैं आपको क्लियर कर ही देता हूं ये चीज क्या है। जैसे आपको पता है कि भाई आपने परफ्यूम लगाया और उस परफ्यूम की स्मेल आपके नाक में आई, तो वो कैसे आई, वो उस परफ्यूम के पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे जो आपके नाक तक जा रहे हैं, तो जो चीज पार्टिकल है, पार्टिकल फॉर्म में है, तो वो मैटर है, समझ में आ रही बात। फिर वो चीज आपको अच्छी लग रही है उसकी स्मेल या बुरी लग रही है, वो चीज मैटर नहीं है, ठीक है, कि आपको लग रहा है कि ये बहुत बुरा बुरी स्मेल है, तो आप इस चीज को मैटर नहीं कह सकते, वो आपकी फीलिंग हो गई, है ना, तो वो आपकी फीलिंग्स हो गई, तो फीलिंग्स मैटर नहीं होती, और जो चीज फीलिंग्स में नहीं आती वो आपकी मैटर है, ठीक है। ये बात समझ में आ गया आप लोगों को। अब मैं आपको बोल रहा था कि मैं आपको बताऊंगा इस मास के बारे में, कि मास क्या होता है, ठीक है। वैसे तो ये हमारे 10th चैप्टर में आता है, मास और वेट के अंदर डिफरेंस, पर हम इस चीज को अभी समझेंगे क्योंकि हम अभी इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम समझ लेते हैं सबसे पहले वर्ड मास के बारे में, और मैं आपके कंफ्यूजन दूर कर देता हूं बिटवीन मास एंड वेट। एक वर्ड मैंने बताया मास और एक वर्ड मैंने बताया वेट। हिंदी में मैंने इसको द्रव्यमान लिखा और इसको लिखा मैंने
भार। ठीक है, क्या होता है मास और क्या होता है वेट? तो देखें, मास वो क्वांटिटी या वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है जो किसी चीज में फिल्ड होता है। ठीक है, कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर कुछ भरा हुआ है और उसके भरने की उसी भरी हुई चीज को हम क्या बोलेंगे, उसका मास। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसका मास। अब मतलब ये कोई स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा है, आप ये बोल सकते हैं स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, और किसी कोई चीज फिल्ड है उसके अंदर, अमाउंट फिल्ड है। ठीक है, तो ये आपका मास है। वेट क्या होता है एक्चुअल में, वेट क्या होता है, वेट जो होता है इस मास पे लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। क्या होता है? मास पे लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स। जो मास क्या बताया मैंने, जैसे आप हैं, आपकी बॉडी के अंदर ब्लड है, आपकी बॉडी के अंदर बोन्स हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, और उनकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर एक मास क्रिएट हो जाता है, मास डेवलप हो जाता है। ठीक है, उसी मास को आप किलोग्राम में नापते हैं। जब आप एक दूसरे को बोलते हैं कि मैं 50 किलो का हूं, तू 70 किलो का है, ठीक है, तो ये चीजें जो आप किलोग्राम में नापते हैं ना, एक्चुअल में जो SI यूनिट, किलोग्राम किसकी SI यूनिट है? ये मास की SI यूनिट है। किलोग्राम जो SI यूनिट है किसकी SI यूनिट है? मास की। हम कहते हैं कि तेरा वेट कितना है, वो सामने वाला बताता है, मैं मेरा वेट 20 किलो है, 40 किलो है। एक्चुअल में वो वेट नहीं बताता है, एक्चुअल में वो अपना मास बताता है, क्योंकि मास का SI यूनिट किलोग्राम होता है, वेट का SI यूनिट किलोग्राम नहीं होता, वेट का SI यूनिट न्यूटन होता है। ठीक है, शॉर्ट में N से लिखते हैं, इसका किलोग्राम होता है, उसका न्यूटन होता है। मास क्या होता है? फिल्ड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस फिल्ड इन अ बॉडी। एंड वेट क्या होता है? उसी मास पे लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटी उसे कितनी फोर्स से नीचे खींच रही है, वो उसका वेट हो जाता है। ठीक है, कि ग्रेविटी उसे कितनी फोर्स से अपनी तरफ नीचे की तरफ खींच रही है, वो वेट होता है। ठीक है, तो वेट और मास अलग अलग चीजें, आपको ध्यान रखना है। मास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस फिल्ड इन द बॉडी होता है, वेट उस पे लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स। मास का SI यूनिट किलोग्राम होता है, वेट का SI यूनिट न्यूटन होता है। ठीक है, और न्यूटन क्यों होता है? क्योंकि ये एक तरह का फोर्स होता है। आपने 8th क्लास में फोर्स के बारे में पढ़ा है, थोड़ी बहुत बातें पढ़ी आपने फोर्स के बारे में, हम भी पढ़ेंगे 9th क्लास के अंदर, पर आगे आने वाले चैप्टर्स में, अभी हम वहां नहीं जा रहे, हम बस इसके बीच में डिफरेंस कर रहे हैं, तो मैं इतना बता रहा हूं आपको इस बारे में। ठीक है ना, तो इसकी SI यूनिट न्यूटन होती है। ठीक है, फिर तीसरी बात ये कि मास कभी चेंज नहीं होता, किसी ऑब्जेक्ट का मास कभी चेंज नहीं होता, पर उसका वेट जो होता है वो चेंज होता है। हिंदी में कहें तो द्रव्यमान कभी नहीं बदलता, परंतु भार बदल जाता है। कैसे? अरे आप, अगर आप है मान लेते हैं, ठीक है, आपकी जगह चलो मैं अपने आप को मान लेता हूं कि मैं, मेरा वेट, मेरा मास 70 kg है। ठीक है, मेरा मास कितना है? 70 किलोग्राम। मैं 70 किलोग्राम का हूं। ठीक है, तो मैं चाहे अर्थ पे रहूं, चाहे मैं मून पे चले जाऊं, चाहे मैं स्पेस में चले जाऊं, मैं कहीं भी चले जाऊं, मेरा मास 70 kg ही रहेगा। ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना कि मैं यहां पे हूं तो मेरा मास 70 kg है, मैं मून पे चला गया तो मेरे अंदर के मसल्स कम हो गए या मेरे अंदर बोन कम हो गए, 206 हड्डियों से 102 हड्डियां बच गई, ऐसा तो नहीं है। आपकी बॉडी में जितना सामान अभी है, जितनी चीजें अभी है, उतना आप किसी दूसरे प्लेनेट पर चले जाते हैं तब भी उतना ही रहेगा। ठीक है, या स्पेस में चले जाए तब भी उसके अंदर उतनी ही चीजें रहेंगी, यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस उतना ही रहेगा जितना आप अभी आपकी बॉडी में है। ठीक है, आप किसी भी प्लेनेट पर चले जाते हैं तब भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आपकी बॉडी में उतना ही रहता है, इसीलिए मास कभी भी चेंज नहीं होता है। मास कभी चेंज नहीं होता है, चेंज क्या होता है? वेट। हम कहते हैं ना कि स्पेस में जाके हम लोग उड़ने लग जाते हैं, कि आप लोगों ने सुना होगा कि जो एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं स्पेस में तो वो लोग उड़ने लग जाते हैं, और
बिल्कुल वेट खत्म हो जाता है। तो वेट खत्म होने का मतलब क्या है कि उनके ऊपर से ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो जाता है, क्योंकि जब हम स्पेस में चले जाते हैं ना तो वहां पे कोई ग्रेविटी नहीं होती। इधर तो हमें अर्थ पे तो हमें अर्थ की ग्रेविटी अपनी तरफ खींच रही है, इसलिए हम जमीन से जुड़े हुए हैं। पर स्पेस में जाने के बाद हमें हमारे ऊपर ग्रेविटी लगाने वाला कोई नहीं होता, इसीलिए ग्रेविटेशनल फोर्स लगाने वाला कोई नहीं होता, इसलिए हम उड़ते रहते हैं स्पेस में। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मास चेंज नहीं होता पर वेट चेंज होता है। मास कहीं भी आप चले जाओ चेंज नहीं होगा, वेट कहां चेंज हो जाएगा? जहां पे जाने के बाद ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज हो जाएगी, वहां पे जाने के बाद आपका वेट भी चेंज हो जाएगा। यानी अर्थ पे आपका वेट कुछ और होगा, आप स्पेस में जाते हैं वहां पे आपका वेट कुछ और होगा, आप मून पे जाते हैं वहां पे वेट कुछ और होगा, किसी और प्लेनेट पे जाते हैं वहां पे आपका वेट कुछ और होगा। सारा किसी भी प्लेनेट पे जाने के बाद वहां पे हमारा वेट वहां के ग्रेविटेशनल फोर्स पे डिपेंड करता है। अगर वहां का ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से कम है तो हमें वहां पे हल्का फील होगा, हमारा वेट वहां पे कम हो जाएगा। और अगर वहां का ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा है तो हमें वहां पे भारी फील होगा। ये बात समझ में आ रही है आपको? तो यहां पे फिलहाल मैंने बस इस वर्ड का कंफ्यूजन दूर किया। ये वैसे इस चैप्टर का नहीं है, ये हमारे 10th चैप्टर में आने वाला है, फिर से उसके बारे में हम प्रॉपर वहां पे भी अच्छे से बात करेंगे। पर मैंने यहाँ पे इस चीज के लिए कंफ्यूजन आपकी दूर करी है, क्योंकि बहुत से बच्चे इस बात से कंफ्यूज रहते हैं हमेशा। वो हमेशा मास को वेट मान के चलते हैं, हमेशा वो इसी भ्रम में रहते हैं कि ये दोनों एक ही चीज होती है, पर ये एक्चुअल में एक ही चीज नहीं होती है। आज आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इनके बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। ठीक है, हमने दो वर्ड को डिस्कस किया। सबसे पहले हमने वर्ड डिस्कस किया मैटर, कि मैटर क्या होता है। मैंने बताया आप लोगों को, आप मैंने डेफिनेशन भी लिखी थी, कुछ डेफिनेशन में मैं लिखता रहूंगा और बोलता भी रहूंगा, आप यहाँ पे अपनी कॉपी में नोट करते रहें साथ ही साथ। ठीक है, तो मैंने मैटर के बारे में बताया था। मैटर क्या होता है? मैटर इज दैट विच कैन ऑक्यूपाई सम स्पेस एंड हैव सम मास। जिसमें पदार्थ क्या होता है? पदार्थ हर वह चीज पदार्थ है जो कुछ जगह घेरती है और जिसका कुछ द्रव्यमान होता है। फिर हमने बात करी डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, यानी द्रव्यमान और भार के बीच में अंतर। तो द्रव्यमान और भार के बीच में अंतर क्या क्या है मास और वेट के बीच में? मैंने बताया, पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं, चाहो तो आप लिख लो, मैं बोल रहा हूं। मास क्या होता है? द अमाउंट ऑफ सब्सटांस फिल्ड इन अ बॉडी इज कॉल्ड मास। ठीक है ना, द अमाउंट ऑफ सब्सटांस फिल्ड इन अ बॉडी इज कॉल्ड मास। एक्चुअल में जो मास की डेफिनेशन है ना, वो आप लोग 10th चैप्टर में बहुत अच्छे से सीखेंगे। यहाँ पे ये वाली मैंने जो डेफिनेशन बोली है एक जनरल डेफिनेशन है। जो इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वो ये है कि मास इज द मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, मास इज मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब यहां पे एक वर्ड आ गया इनर्शिया, ये क्या होता है? अब इसके बारे में तो हमें चैप्टर 9 में पता चलेगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं ज्यादा अभी जा नहीं रहा हूं इन चीजों की डिटेल में, क्योंकि ये फिलहाल ये जो मैंने मास और वेट के बारे में बताया है वो इस चैप्टर का टॉपिक नहीं है। ये बस मैंने इस वर्ड का कंफ्यूजन दूर करने के लिए आपको बता दिया है, बाकी जो अभी बोल रहा हूं मैं वो आप लिख लो। ठीक है, तो मास इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस फिल्ड इन अ बॉडी। वेट क्या होता है? वेट होता है द ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड ऑन द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स वेट। ठीक है, कि किसी ऑब्जेक्ट के मास पे, किसी वस्तु के द्रव्यमान पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उसका भार होता है। ठीक है, हिंदी में अगर द्रव्यमान की परिभाषा बात की जाए तो द्रव्यमान क्या होता है? तो द्रव्यमान को हम कह सकते हैं किसी पदार्थ में उपस्थित वस्तु की मात्रा। ठीक है, तो उसकी मात्रा को क्या बोलेंगे? द्रव्यमान। और उस पे लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल क्या कहलाता है? भार। उस पे लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उसका भार कहलाता है। फिर आप दूसरी बात लिखेंगे कि द एसआई यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम और द एसआई यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन। आप लोगों को ये तो पता है ना एसआई यूनिट क्या होता है? ठीक है, एसआई यूनिट आपकी जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है, ठीक है, जिससे आप
वर्ल्ड में किसी भी चीज की, मतलब हर चीज को मेजर करने के लिए एक यूनिट निकाली गई है, उसे हम एसआई यूनिट कहते हैं। तो एसआई यूनिट जो मास की होती है किलोग्राम में होती है, वेट की जो होती है न्यूटन होती है। फिर आप तीसरी, अब तीसरा पॉइंट ये लिख सकते हैं, मास कैन नेवर बी चेंज्ड, ठीक है ना, मास कभी चेंज नहीं होता, और वेट जो होता है वो चेंज हो सकता है, ठीक है, विद द चेंज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये बात आप लिख लें, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम आगे जाते हैं, सॉरी, तो जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि हमारी एक एंशंट फिलॉसफी थी, और एंशंट फिलॉसफी में हमने मैटर को पांच भागों में बांटा था, पंच तत्वों में बांटा था, जो कि थे एयर वाटर स्काई फायर एंड अर्थ, ठीक है, हिंदी में कहें तो वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश और जल, ठीक है। तो ये पांच चीजों में हमने बांटा था। और मॉडर्न, तो फिर मॉडर्न जो फिलॉसफी है, मॉडर्न फिलॉसफी के हिसाब से हम मैटर को कितने भागों में बांटते हैं, तो मैटर को दो भागों में बांटा जाता है, दो प्रॉपर्टी के बेसिस पे बांटा जाता है। किस बेसिस पे बांटा जाता है, दो प्रॉपर्टी के बेसिस पे। पहला बांटा जाता है इसको फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे, दूसरा बांटा जाता है इसको केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे बांटा जाता है, और दूसरा इसको केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे बांटा जाता है। हिंदी में कहें तो पदार्थ को दो तरीके से बांटा जाता है, एक होता है इसके भौतिक गुणों के आधार पर, दूसरा इसके रासायनिक गुणों के आधार पर। तो फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम मैटर को तीन हिस्सों में बांट देते हैं, जो कि आपको पता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हिंदी में कहें तो ठोस, द्रव, गैस। नाम तो सुना ही होगा इन तीनों का, ठीक है, कि फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम मैटर को तीन हिस्सों में बांटते हैं, जो कि है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। फिर केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम मैटर को तीन हिस्सों में बांटते हैं, जो कि है एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। हिंदी में कहें तो तत्व, यौगिक और मिश्रण। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे तीन हिस्से में कौन कौन से तीन हिस्से बने, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे कौन कौन से हिस्से बने, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। हमारा जो चैप्टर नंबर वन है, मैटर इन अवर सराउंडिंग, उसके अंदर हम सिर्फ इसकी बात करते हैं, यानी फिजिकल प्रॉपर्टी की, ठीक है। ये जो केमिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीजें हैं, इनके बारे में हम बात हमारे चैप्टर नंबर टू में करेंगे, ठीक है, इज मैटर अराउंड अस प्योर के अंदर, ठीक है ना, इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, जो इस नाम का चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर टू, उसके अंदर हम इसके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। फिलहाल हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में ही बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, तो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे सेकेंड पॉइंट की तरफ, जिसके अंदर हमें पढ़ना है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, यानी पदार्थ के भौतिक गुण, ठीक है। तो क्योंकि अभी मैंने बताया आपको कि इस चैप्टर के अंदर हम सारे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में या फिजिकल नेचर के बारे में ही बात करने वाले हैं मैटर के, तो अब हम बात करेंगे फिजिकल नेचर ऑफ मैटर की। और इसका पहला नेचर ये है कि मैटर इज मेड अप ऑफ
पार्टिकल्स, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। अब इस बात को हम समझते हैं कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है का मतलब क्या है, कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। इसका मतलब ये है कि आप अपने आसपास जो भी चीज देखते हैं वो बहुत सारे नंबर ऑफ मतलब पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। आप सोचें, खुद ही सोचें कि आपके आसपास कोई भी चीज रखी है तो क्या हम उस चीज को तोड़ सकते हैं, छोटे छोटे उसके टुकड़े बना सकते हैं? तो आप कहेंगे हाँ। ठीक है, आप आपके सामने, अगर आपको मैं कहूं कि अभी आप पढ़ रहे हैं, आपके सामने आपका रजिस्टर रखा है, आपके पास उसमें मतलब कॉपी रखी है या रजिस्टर रखा है, जो भी रखा है, आप मैं कहूंगा कि उसमें से आप एक पेज फाड़े। असली में अभी नहीं फाड़ना है, मैं बस एग्जाम्पल दे रहा हूं कि अगर आप उसमें से एक पेज फाड़े तो आप उस पेज को कितने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ सकते हैं? तो आप कहेंगे कि हम उसे बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। तो सोचिए कि आपने पहले उस पेपर को थोड़ा छोटा टुकड़ा किया, फिर और छोटा किया और छोटा किया, तो करते करते मैं कहूंगा कि आप इसको जितना छोटा कर सकते हैं, जितना छोटे से छोटा आप इसको तोड़ सकते हैं, आप उतने छोटे से छोटा इसको कर दीजिए, तो शायद आप कुछ मतलब इतना छोटा उसको कर देंगे कि शायद वो आपके चुटकी के अंदर भी ना आए। ठीक है ना, उतने उससे भी छोटा आप उसको बना देंगे। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं कि उतने छोटे छोटे पेपर के टुकड़े आपस में जुड़े तभी जाके आपके पास इतना बड़ा पेपर बना। ठीक है, आपके पास इतना बड़ा जो पेपर बना है वो उतने छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना है। तो वो जो टुकड़े आपने किए वो टुकड़े भी आप सोच सकते हैं कि कितने और छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना हो सकता है, वो भी और आगे बहुत छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना हो सकता है, जहां तक शायद हम नहीं कर सकते उसको छोटा, हमारी जहां तक कैपेसिटी थी हमने उसको छोटा कर दिया, पर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे उसे और ज्यादा छोटा किया जा सकता है। ठीक है, तो इससे एक बात निकल के आती है कि जो मैटर होता है उस वो बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं कि ये जो पार्टिकल की मैं बात कर रहा हूं कितने छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, तो आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि एक जो बारिश में एक पानी की बूंद होती है, बारिश में एक पानी की बूंद जो होती है, छोटी सी पानी की बूंद, उसके अंदर भी करीब 10^21 पार्टिकल्स होते हैं। 10^21 पार्टिकल्स, ये कितने पार्टिकल्स हैं? ये मैंने तो एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा, अगर मैं पूछूं कि इसको सॉल्व करो ये कितने पार्टिकल्स हैं, तो ये है इतने पार्टिकल्स। आप इसको काउंट कर सकते हैं कि ये किस में है, करोड़ में है, अरब में है, खरब में, मिलियंस में, बिलियंस में, ट्रिलियंस में, कितने किस में है? तो आप जब इनको काउंट करने बैठेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि ये कितने कितना बड़ा नंबर है। तो सोचो, एक पानी की बूंद में, एक छोटी सी बूंद में जो बारिश की बूंद होती है उसके अंदर हम बात कर रहे हैं, लगभग इतने पार्टिकल्स होते हैं। तो आपको इस बात को सोच के बड़ी हैरानी होनी चाहिए कि पार्टिकल्स जिनकी हम बात कर रहे हैं वो कितने छोटे होते हैं। और ये तो सिर्फ पानी की बूंद के पार्टिकल की बात हुई, और भी हम दुनिया के आसपास जितनी भी चीजें देखते हैं सब में ही ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। जो सबसे छोटा पार्टिकल्स होता है मैं बात बता रहा हूं कि इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स उसके अंदर लगभग प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और जिन पार्टिकल्स की बात हम कर रहे हैं ना, उन पार्टिकल्स को एटम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एटम। हिंदी में बोला जाता है परमाणु। आपने इससे पहले एटम वर्ड कहां सुना है? आपने सुना होगा एटम बॉम्ब। ठीक है ना, एटम बॉम्ब सुना होगा आपने, वर्ड बहुत यूज करते हैं फिल्मों में या और भी हम जगह पे कि एटम बॉम्ब गिर गया उस वहां पे। तो एटम बॉम्ब जो हम बोलते हैं कि वो होता क्या है, वो भी बहुत वो कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं जिनके एटम्स से मिलके, पर वो एटम बॉम्ब का मतलब ये नहीं कि ये कितना सा वो होता है, नहीं, उसके रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स से मिला के एटम, उनके एटम्स से मिला के बॉम्ब बनाया जाता है, तो इसीलिए उनको एटम बॉम्ब हम बोल देते हैं। ठीक है,
बाकी एटम होता क्या है? एटम का मतलब होता है जो बहुत ही छोटा होता है। हिंदी में इसका मतलब बहुत समझ में आता है। और एटम और दूसरा वर्ड होता है एक मॉलिक्यूल, हिंदी में कहते हैं इसे अणु। क्या होता है मॉलिक्यूल? अभी ये जो दो वर्ड्स है ना, वैसे आप ये सेकेंड टर्म्स अपने सेकेंड टर्म के कोर्स में पढ़ेंगे। सेकेंड टर्म में जब आप चैप्टर नंबर 3 और 4 पढ़ेंगे तब आप इनमें एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। पर मैंने आपको अभी थोड़ा सा बता दिया कि ये जो हम छोटे छोटे पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं वो कौन होते हैं? एटम्स या मॉलिक्यूल्स। एटम बहुत सारे मतलब सबसे छोटा एटम होता है, और बहुत सारे दो या दो से ज्यादा एटम मिलते हैं तो दो या दो से ज्यादा एटम मिलते हैं तो उससे बनता है मॉलिक्यूल। ठीक है, तो मॉलिक्यूल क्या होता है? दो या दो से ज्यादा एटम जब आपस में जुड़ते हैं तो उसे मॉलिक्यूल कहते हैं। हिंदी में इसे कहते हैं परम परमाणु। तो परमाणु को हम दो वर्ड में तोड़ सकते हैं, परम जमा में अणु, परम जमा में अणु। और हिंदी में अगर आप अणु का मतलब समझें तो अणु का मतलब होता है बहुत छोटा, और परम अणु मतलब सबसे छोटा। ठीक है, तो जो सबसे छोटी चीज होती है उसे हम परमाणु कहते हैं। ठीक है, और अणु थोड़ा उससे बड़ा होता है। ये बात समझ में आ रही है? तो पहली बात यही थी कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, की मैटर जो होता है, पदार्थ जो होते हैं कणों से मिलकर बना होता है। तो ये हम बात समझ में आ रही है हमें कि मैटर की दुनिया में जितनी भी चीजें होती हैं, हमारे आसपास जितना भी मैटर है, सब मैटर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। और वो छोटे छोटे पार्टिकल्स एक्चुअल में इतने छोटे होते हैं कि वो हमें आंखों से दिखाई भी नहीं देते। अगर एक पार्टिकल या एक क्या 100 पार्टिकल या 1000 पार्टिकल भी हमारे आंखों के सामने होंगे ना तो दिखाई नहीं देंगे। वो कब दिखाई देंगे? जब वो अरबों खरबों की संख्या में हमारे सामने होंगे तब जाके वो हमें दिखाई देंगे। ठीक है, तो पार्टिकल्स बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं, इतने छोटे कि वो हमें आंखों से दिखाई नहीं देते। उन्हें हमें देखने के लिए माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का, सॉरी, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करके हम देखते हैं। अब इसके बेसिस पे ना आपको यहां पे एक आपके बुक के अंदर एक एक्सपेरिमेंट दिखा रखा है जिससे एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर कितने छोटे होते हैं। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर कितने छोटे होते हैं, ये आपके बुक में एक एक्सपेरिमेंट है जिसके बेसिस पे आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। और वो एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरीके से है कि अगर आपने क्या किया, आपने आपने एक बीकर के अंदर थोड़ा सा वाटर लिया, पानी, इसको हम H2O लिखे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अब आप लोग थोड़ा साइंटिफिक नेम याद करना चालू कर दें अपने कंपाउंड्स की, क्योंकि अब जो है फिलहाल तो नहीं मतलब, पर सेकेंड टर्म में जरूरी यूज में आने शुरू हो जाएगा ये सब। ठीक है, तो आपने वाटर लिया और इसमें आपने थोड़े दो कुछ पार्टिकल्स डाले पोटेशियम पर मैग्नेट के, पोटेशियम पर मैग्नेट के। ठीक है ना, पोटेशियम पर मैग्नेट को अगर हम केमिकल फॉर्मूला लिखे तो वो होता है KMnO4, KMnO4। ठीक है, ये एक केमिकल होता है। ठीक है, ये कुछ केमिकल होता है जिसको अगर आप पानी में डालेंगे तो उसमें पर्पल कलर निकलेगा। वाटर में डालने पे ये पर्पल कलर कलर देता है। ठीक है ना, पानी में डालेंगे ना तो इसका कलर कैसा हो जाता है? पर्पल, यानी कि बैंगनी। ठीक है, बैंगनी कलर का हो जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट को पानी में डालने पे वो बैंगनी रंग का हो जाता है। ठीक है, अब करना क्या है, आपका एक्सपेरिमेंट क्या है कि आपने पहले 100 मिलीलीटर पानी लिया, 100 ml, ये पानी कितना है 100 ml। आपने 100 ml पानी लिया और उसके अंदर कुछ पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ ग्रैनुअल्स डाले। ग्रैनुअल्स मतलब कुछ दाने, वो कुछ दानों की तरह आते हैं, मतलब छोटे छोटे दाने होते हैं उसके। आपने उनके 4-5 दाने उठा के इसमें डाल दिए तो आप देखेंगे कि
ये पूरा जो वाटर है ये पर्पल कलर का हो जाएगा, बैंगनी कलर का हो जाएगा, क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट जो है वाटर के अंदर पर्पल कलर देता है। तो अब आपको क्या करना है, अब इस वाटर इसमें से आपको 10 ml पानी निकाल लेना है। कितना पानी निकाल लेना है, 10 ml, ये कलरफुल में से 10 ml निकाल लेना है। और फिर से आपको एक दूसरे बीकर के अंदर पानी लेना है 100 ml, और इसमें ये वाला 10 ml डाल देना है। तो आप देखेंगे कि इसका कलर पहले पर्पल था, उसमें से थोड़ा सा लिया आपने, अब इसमें डाल दिया तो इसका कलर भी कैसा हो जाएगा, पर्पल हो जाएगा। पर थोड़ा लाइट हो जाएगा, पहले से लाइट हो जाएगा, पहले ज्यादा डार्क आ रहा था, अब थोड़ा लाइट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, फिर से इसमें से 10 ml निकाल लेना है और अगले बीकर में फिर से इसके अंदर 100 ml वाटर है और फिर से इसके अंदर 10 ml डाल देना है। तो ये आप देखेंगे इसमें भी फिर पर्पल कलर आ जाएगा, ये और ज्यादा लाइट आ जाएगा। और यही प्रोसेस आपको 5-6 बार जब तक उसका कलर आपको दिखाई देता है तब तक करना है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि पहले ये कलरफुल, आपने इसमें मतलब 100 ml पानी में 2-4 दाने डाले थे KMnO4 के, यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट के, ठीक है, 2-4 दाने डाले जिसने उसका कलर पर्पल कर दिया। मतलब 2-4 दानों में इतने पार्टिकल्स थे, वो उसका कलर कैसे हो रहा है, एक्चुअल में ये पानी कलरफुल कैसे हो रहा है, जब आप इस पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स इसमें डालते हैं, इसके ग्रेनुअल्स इसमें डालते हैं, तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है, ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है और इसके अंदर मिक्स हो जाता है। और इस मिक्स होने के प्रोसेस को डिफ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं, डिफ्यूजन, हिंदी में कहते हैं विसरण, हिंदी में क्या कहते हैं, विसरण। इसके बारे में हम थोड़ी देर में अभी बात करेंगे या नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे जो इससे आगे वाले वीडियो आएगी, ठीक है। पर फिलहाल आप समझें कि इसमें जो पार्टिकल्स आपने मतलब KMnO4 डाला यानी पोटेशियम परमैंगनेट डाला है, वो वाटर के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स टूट जाते हैं और वो पार्टिकल्स इसमें पूरे में मिक्स हो जाते हैं। इसके जो पार्टिकल्स छोटे छोटे टूटे वो पूरे फैल जाते हैं, इसमें फैलने की वजह से इसमें पूरा पर्पल कलर आ जाता है, ठीक है। अब आपने वो पर्पल कलर में से थोड़ा सा निकाला और इसमें डाला, ठीक है, तो वो इसको भी कलरफुल कर दे रहा है। अब इसमें से आपने फिर से निकाला और अगले में डाला, वो इसको भी कलरफुल कर दे रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि पोटेशियम परमैंगनेट के 2-4 दानों के अंदर इतने सारे पार्टिकल हैं जो इतने सारे वाटर को कलरफुल कर सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि एक 2 या 4 दानों के अंदर बहुत सारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं पोटेशियम परमैंगनेट के, जिसकी वजह से ये प्रोसेस आगे तक चलता जा रहा है, ठीक है। इससे यही प्रूव होता है कि पोटेशियम परमैग्नेट के 2-4 ग्रैनुअल्स में बहुत सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, इससे ये पता चलता है, ठीक है। ये प्रैक्टिकल जो है, आप अगर आपके पास पोटेशियम परमैग्नेट नहीं है तो घर में अगर आपको ये एक्सपेरिमेंट करना है तो आप किसी भी चीज से कर सकते हैं, किसी दूसरी चीज से, जैसे आप डिटॉल का इस्तेमाल करके कर सकते हैं कि आपने क्या किया, आपने 100 ml पानी लिया, उसमें आपने 1 चम्मच डिटॉल डाल दिया, आपके घरों में होता है एंटीसेप्टिक डिटॉल, ठीक है, आपने डाल दिया तो उसकी स्मेल पानी में से आएगी। फिर आपने क्या किया, उस वाले पानी में से, डिटॉल वाले पानी में से 10 ml पानी निकाला और दूसरे साफ पानी में डाल दिया तो उसमें भी वो स्मेल आएगी। फिर उसमें से निकाल के अगले पानी में डाल दिया, फिर उसमें से भी स्मेल आएगी। तो यही प्रोसेस आपको आगे तक करना है। तो आप ये भी आप देखेंगे कि एक ढक्कन आपने उसमें डिटॉल डाला, वो कितने सारे पानी को उसमें, उसकी फ्रेगनेंस रहती है, स्मेल आती है, तो इसका मतलब है कि उस एक ढक्कन के अंदर भी कितने सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट है जो कि इतने सारे पानी को उसके अंदर अपनी स्मेल छोड़ देते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि 2-4 ग्रैनुअल्स पोटेशियम परमैग्नेट के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं,
ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही है। तो ये एक एक्सपेरिमेंट था जिसके बेसिस पे हमने ये टॉपिक समझा। अब इसके आगे हमें बात करनी है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बारे में। चलिए, इस टॉपिक से आगे हम अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो अपने अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि वो थोड़ा लंबा खिंच जाएगा, तो वो उसके बारे में हमें नेक्स्ट वीडियो में ही डिस्कस करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप इसी तरह से आगे हमारी वीडियोज़ देखते रहें। थैंक यू।